हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे दो वीवो के स्मार्टफोन में। एक है वीवो V20 SE और एक है वीवो V20। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। दोनों की सेम है, 6.44 इंच की डिस्प्ले है दोनों फ़ोन की। दोनों का रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल और दोनों ही फ़ोनों में एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है और दोनों फ़ोन में आपको बड़े रोकनोच दी गई है। बात करते हैं प्रोसेसर की। वीवो V20 SE में है स्नैपड्रैगन का 665 का CPU है 2.0 GHz ऑक्टेकोर का और उसमें 11 nm का फिनफैट और उसका GPU है 610 का। और वीवो V20 का है स्नैपड्रैगन का 720G का CPU है 2.3 GHz ऑक्टेकोर का और उसमें 8 nm का फिनफैट और उसका GPU है 618 का। प्रोसेसर के मामले में वीवो V20 आगे हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोनों का सेम है 10। बात करते हैं बैक कैमरे की। वीवो V20 SE में है ट्रिपल 48+8+2 मेगापिक्सल का। वीवो V20 में है ट्रिपल 64+8+2 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। वीवो V20 SE में है 32 का और वीवो V20 में है 44 मेगापिक्सल का। फ्रंट और बैक कैमरे दोनों में आ गए हैं वीवो V20। बात करते हैं बैटरी की। तो वीवो V20 SE में दी गई है 41 mAh की और वीवो V20 में दी गई है 4000 mAh की और दोनों फोन बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की। दोनों में सेम है, 33 वाट का फास्ट चार्जर है। टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर और फीचर दोनों फोन में दिया गया है। बात करते हैं सिम की। तो आप दोनों फोन में ट्रिपल सिम डाल सकते हो, एक सिम पर दो सिम और 7 मेगापिक्सल का डाल सकते हो। और दोनों में फ्रंट में ग्लास है, बैक से प्लास्टिक है और फ्रेम में प्लास्टिक का ही दिया गया है और दोनों की वारंटी सेम है 1 साल की। बात करते हैं रैम की। दोनों में सेम है, 8 GB की दी गई है। बात करते हैं मेमोरी की। वीवो V20 SE में 128 GB की और वीवो V20 में है 128 GB 256 GB की। बात करते हैं प्राइस की। वीवो V20 SE का एक्सपेक्टिव प्राइस 20,000 के आसपास होने वाला है और वीवो V20 का है 8 GB 128 GB का 2499 पे। तो फिर आपको दोनों से कौन सा आपको पसंद है कौन में जरूर बताना।